डॉक्टर रघुवीर फादियान जी। थैंक यू स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे जो अविश्वास प्रस्ताव आया है इस मौके पर बोलने का समय दिया। हरियाणा सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। स्पीकर सर, मैं अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हुई तो सिर्फ 5 और 6 मिनट लूँगा, ज़्यादा मैं अपने जो दूसरे साथी हैं उनके लिए मैं अपना टाइम दूंगा, जो भी टाइम आप दोगे। मैं ये अविश्वास प्रस्ताव ऑनरेबल स्पीकर सर क्यों आया, क्यों हरियाणा प्रदेश के लोग इस सरकार में विश्वास नहीं करते, कौन से ऐसे हालात पैदा हो गए? ये अविश्वास प्रस्ताव कोई एमएलए की होर्स ट्रेडिंग नहीं, कोई डिसिडेंट नहीं, कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं। इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार जो आंसू हिंदुस्तान के किसान का उसके अपमान का प्रतीक बन गए, जो हिंदुस्तान का संघर्ष और उसकी तकलीफ और उन हालात से पैदा हुआ ये अविश्वास प्रस्ताव जो विधानसभा में आया है, हिंदुस्तान के इतिहास में आप देख लियो इस तरह अविश्वास प्रस्ताव जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार और लोगों द्वारा जिस ढंग से जो विरोध हो रहा है लोकतंत्र में, वो आधार है इस अविश्वास प्रस्ताव का। इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार है कि कौन लोग सरकार के साथ हैं, कौन लोग कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं, कौन लोग किसान के साथ खड़े। ये अविश्वास प्रस्ताव इस बात का दूध और पानी का पानी का। तो मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, इस अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास कहां से आया? अविश्वास की चिंगारी कोरोना काल में रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से 3 कृषि कानून लाए गए और उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ, संघर्ष अब हो रहा है, लोगों की तकलीफें भी दे ली हैं। वाटर कैनन जिसे जो मेरा गवर्नर के अभिभाषण पर जो स्पीच था वो इसमें इसके साथ जोड़ा जाए, क्योंकि उसमें मैं ना तो मैं रिपीट करूंगा या जो बात आई है अभिभाषण पर किसने भी जो बात कही है मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे स्पीकर सर, आपके माध्यम से हाउस को, कि ऐसी कौन सी बात आ गई वहां से ये निकला हुआ कि बीजेपी एमएलए एमपी डिप्टी सीएम और सीएम को का घिराव हो रहा है। पॉइंट 2, काले झंडे दिखाकर विरोध किया जा रहा है। नंबर 3, घरों और कोठियों के पर इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैं कोई बात रिप्लाई में कहें, क्योंकि सच्चाई सुनना और सच्चाई बोलना भी मोक्ष की तरफ ले जाता है। ऑनरेबल स्पीकर सर, गांव के बाहर एंट्री बैन के बोर्ड लगे हुए हैं कि बीजेपी जेजेपी के आदमी की एंट्री बैन, गांव के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। पंचायतों में के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार के फैसले सुनाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र में जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका, उनकी हैसियत, उनकी दशा, उनका स्टेटस बता रहा हूं। ऑनरेबल स्पीकर सर, गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराना के स्थान पर जो है स्थान बदले जा रहे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर, इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा कहीं 70 साल के हिंदुस्तान की, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में जहां सीएम और डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए गए। सीएम और डिप्टी सीएम, सीएम का कैमला भी नहीं उतरा। मैं किसी फैक्ट्स के ऊपर जो बात कर रहा हूं। तो ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये हालात क्यों पैदा हो, क्या कारण था इनका, मैं नहीं जानना चाहता। दूसरे जो मुद्दे थे, दूसरे मुद्दे
हमारे मेंबर्स बताएंगे जो सपोर्टिंग है। मैं तो सिर्फ इस बात को के सामने आपके माध्यम से जो है हाउस को और जो देश का किसान हिंदुस्तान का किसान बैठा है उससे एक बात लानी चाहिए, क्योंकि वो टकटक ही लगाए देखा है। ये अविश्वास प्रस्ताव कोई मामूली अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। इसमें जो है मतलब अखबार भरे पड़े एमएलए के मंत्रियों के घरों पर रेजिडेंसीज पर जो है किसान जो है महिलाएं जो है हजारों हजारों की संख्या में जो है वो कोठियों पर प्रोस्टेट हुए, उनके मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। किसमें क्या कार्ड हो गया, किस बात से हो गया ये जो है सिर्फ इस बात से कि एक तरफ तो किसान जब आंदोलन कर रहा है तो एक तरफ रास्ता खोल दिया बातचीत का खोल दिया। 11 लेवल की बात हुई, 8-8 घंटे 7-7 घंटे किसान के साथ बात हुई, पूरा देश इस बात को देख रहा है। दूसरी तरफ कितनी बातें हुई जो किसान के साथ जो है साजिशें रची गई, एक तरफ बातचीत हो रही है दूसरी तरफ साजिशें हो रही है, उनको कुछ क्यों कुछ कहा जा रहा है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट एड्रेस था उसमें भी तिरंगे झंडे का और गणतंत्र दिवस का जिक्र किया गया, सिर्फ एक देश को ये बताने के लिए भाई एक सेक्शन है उसको मतलब लांछित करने के लिए एक बात ये इसमें प्रधानमंत्री के रिप्लाई में बात आई। बीजेपी के राष्ट्रीय मीटिंग में ये बात जब चल रही है, जब बात चल रही है तो नकली किसानों को डेपुटेशन मिलवाए जा रहे हैं। तो इसमें बीजेपी की राष्ट्रीय मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जातिवाद का रंग देने के लिए कि फलानी फलानी जाति के लीडर जो है वो मनाने जाएंगे लोग भाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करवाया गया, 3 आदमियों की ऐसी कमेटी बनवाई गई जो जिन्होंने विरोध किया था किसान मतलब किसानों के कृषि बिलों का समर्थन किया था उन लोगों तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं। नहीं ऑनरेबल स्पीकर सर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह की टिप्पणी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम करता है, कोई सरकार के कहने पे काम नहीं करता। फॉरन ये मैं बता रहा हूँ जी, ये गांव पर निमित सड़क एक तरफ बात चल रही है अविश्वास क्यों हुआ, एक तरफ टॉक्स चल रही है दूसरी तरफ जो है ये इस तरह के सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट संस्था है वो आप प्रोसीडिंग से निकाल दियो है जी। फॉरन फंडिंग हो रही है और किसानों के समर्थन वाले लोग जो है उनके ऊपर जिस ढंग से मतलब सारा वो कह रहे हैं कि वो अटैक करवा दिया ये करवा दिया उन्हीं उसमें न अपने लोगों से। और उसमें पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं एक टेलीफोन की दूरी पर हूँ, 22 तारीख को बातचीत बंद हुई थी, 22 जनवरी को, 22 जनवरी से आज 10 मार्च तक एक टेलीफोन की कॉल नहीं आई, एक टेलीफोन। ये अविश्वास का मैं बात कर रहा हूँ कि उसके दिल में जो आदमी संघर्ष में पड़ा, किसी सर्दी में पड़ा, कड़कते उसमें खुले आसमान के नीचे पड़ा है, उसकी उसकी माँ बेटियाँ हैं, उनके बच्चे हैं उनके, स्पीकर साहब ये छोटी तकलीफ नहीं है, वो किसी दर्द को लेकर उसमें भय है कि उसकी जमीन चली जाएगी, आने वाली पीढ़ी उसकी खत्म हो जाएगी, इस दर्द में वो पड़ा है, इस दर्द में उसके ऊपर नमक जो बातचीत चल रही है तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। ये अविश्वास इसलिए पैदा हुआ। तो लोकतंत्र में स्पीकर सर जब लोगों का विश्वास कोई सरकार खो दे, विश्वास यही है कि आज कोठियों में बंद है, आज लोकतंत्र कोठियों में बंद है। जब आपको लोगों में जाना चाहिए, अपने हलकों में चुने हुए नुमाइंदों को वहाँ जाना चाहिए तो वो तो इसका मतलब ये है अविश्वास है। और इस ऐसे विश्वास पर हमने ये आज ये जो समझाए हैं इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर मैं ज़्यादा और न कहता होगा, सिर्फ इसमें मैं जो डिप्टी सीएम में नहीं बैठे हैं हमारी बहन जी नैना जी का भी बयान आया था कि हम मर जाएंगे बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, ऐसी ऐसी बाइस हैं हमारे पास बात डाल के मीनू ने दी हैं।
तो आज मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ये सभी बंधनों को तोड़कर झांसी की रानी बनकर और सारे बंधनों को तोड़कर बगावत करो कि हिंदुस्तान के जो किसान का आंसू है वो किसान का जो आंसू है वो हिंदुस्तान के किसान का अपमान है, वो इस सदन का अपमान है, इस प्रदेश के लोगों का अपमान है। इस बात को लेकर आप इसमें बगावत करो, मैं पूरा सदन आपका साथ देगा। जहां तक बात डिप्टी सीएम की है जी, डिप्टी सीएम नहीं बैठे, मैं नहीं उस मेरी जब रिजल्ट आए तो 15 मिनट इनसे बात हुई, मैं उसका उस कर्ज जो टास्क है उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जिस बात को कह के आए थे, मैं इनसे एक ही निवेदन करूंगा कि चौधरी देवीलाल एक युग पुरुष महान नेता जिसने अपना सारा जीवन हिंदुस्तान के कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, उसके उत्थान और कल्याण के लिए लगा दिया। अगर ये आंख मीच के देख लें, अगर इनको चौधरी देवीलाल का फोटो नजर आए तो अपनी आत्मा की आवाज पर ये वोट देना। अगर कोई गलती हुई तो हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, आने वाला समय और इतिहास माफ नहीं करेगा। चौधरी रणजीत सिंह थे, चौधरी रणजीत सिंह बैठ जाइए। जगदीश जी, स्पीकर सर प्लीज बैठ जाइए। अगर 250 किसानों के, ये सदन ढाई सौ शहीद किसानों के खून के धब्बे अगर अपनी कुर्सी पर नजर आए तो डिप्टी सीएम साहब इस कुर्सी को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो इतिहास और लोग इनको माफ नहीं करेंगे। ये माफ के माध्यम से सदन के बताना चाहता हूं। और एक और स्पीकर सर, हल्के में जाओ। मैं इनको किसी दर्द के साथ कह रहा हूँ, ये बात है मेरे अंदर। स्पीकर सर, आज एक बूढ़ा मेरे फ्लैट पर आया, उसने एक मिसाल सुनाई कि जी वो जो है, लीलाराम जी नहीं, बीच में ना, वो जो है जी एक बहुत धार्मिक जो है धर्म कर्म करने वाला कपल था। लोगों ने कहा कि भाई ये जो आप लोग तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। रवि जी, तो आप दूसरे मेंबर्स का टाइम ले रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना। साथ साथ बैठ जाता हूँ। हाँ, बाकी बात कहने के बाद बैठ जाऊंगा। तो ये क्षमा को लेने दो ना जी। तो वो जब गए तो वो उन्होंने देखा एक तरफ स्वर्ग का दरवाजा, एक तरफ नरक का है। वो स्वर्ग के दरवाजे पर गए, द्वार पर बोले भाई हाँ मुलाम धर्म कर्म करके आए हैं। बोला कलयुग है, नरक वाले दरवाजे पर जाओ, अरे थारा काम नहीं। तो बोला भाई हमने एक बार भगवान से मिलवा दे। बोला भगवान नहीं है। बोला और कौन है? बोला पोपो भाई है। बोला पोपो भाई से मिलवा दे। बोला पोपो भाई तो खिचड़ी खाकर लान में सोन ला गई है। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का तिल में। शुक्रिया, धन्यवाद जी।